नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सैयम है और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रोटेकी के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्क्रैच सॉफ्टवेयर के बारे में। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जो प्रोग्रामिंग करने का इच्छा है बट प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें कि प्रोग्रामिंग का जो लाइन ऑफ कोड है, जो कोड लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, तो वो लिखने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोग या ऐसे बच्चे जो है वो स्क्रैच सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी प्रोग्रामिंग जो है वो कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आज हम जानेंगे स्क्रैच सॉफ्टवेयर के बारे में। तो स्क्रैच सॉफ्टवेयर की अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो स्क्रैच सॉफ्टवेयर जो है वो अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट जो कि है MIT लैब्स में बनाया गया है और वहाँ से ही इसका आविष्कार हुआ है। तो स्क्रैच जो सॉफ्टवेयर है वो एक ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग पे काम करता है। नाउ, ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है कि आपको इसमें कोड नहीं लिखना होता है, इसमें बहुत सारे तरीके के ब्लॉक्स होते हैं, तो वो जो ब्लॉक्स है उनकी मदद से आप अपना कोड जो है वो आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है। स्क्रैच सॉफ्टवेयर जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। मीन्स आप इसे ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू भी अपना प्रोग्राम बना सकते हैं बिना डाउनलोड करे, या फिर अगर आप इसे ऑफलाइन डाउनलोड करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो ऑफलाइन डाउनलोड होकर भी आप इसे उसमें अपनी प्रोग्रामिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जाने के लिए आपको जाना होगा गूगल पे, एंड यहाँ पे आप जब टाइप करेंगे स्क्रैच तो आपको जो पहली वेबसाइट दिखेगी वो होगी स्क्रैच की, scratch.mit.edu। ठीक है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे scratch.mit.edu पर, तो यहाँ पे जो है वो आपको इस तरीके का जो वेबसाइट खुलेगी। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे स्टार्ट क्रिएटिंग पे, तो आप उस इंटरफेस पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आप अपनी प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर जो लोग ऑनलाइन अपना कोड बनाने की इच्छा रखते हैं, या फिर जो अपना कोड ऑनलाइन बना रहे हैं, वो यहाँ पे अपना अकाउंट ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि अगर आप अपना अकाउंट नहीं बनाएंगे तो आपका जो कोड है वो सेव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप अपना यहाँ पे अकाउंट बनाकर और फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपके सारे प्रोजेक्ट जो है वो सेव हो। ठीक है, जो ऑफलाइन बना रहे हैं वो यहाँ पे से इसी वेबसाइट से अपना सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए। तो उसके लिए आपको जाना होगा scratch.mit.edu/downloads में। ये लिंक जो है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है ताकि आप डायरेक्ट क्लिक करके और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका विंडोज़, मैक या कोई अदर डिवाइसेस है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है और एक बहुत आसान सा सेटअप जो होगा उसे रन करके आप इस तरीके का जो है वो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रामिंग को आसान बना सकते हैं। तो स्क्रैच सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत सारे करोड़ों बच्चे जो है वो अभी यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस पर ऑलरेडी बने हुए हैं। तो हम भी कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो आने वाले टाइम में बनाएंगे। यह सॉफ्टवेयर गेम्स, वीडियो एनिमेशंस और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनाने के काम आता है, और गेम्स बनाते बनाते ही आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हैं। तो ये जो है ये मेन सॉफ्टवेयर का मेन विंडो है, मेन इंटरफेस है, जहाँ पे जब आप खोलेंगे सॉफ्टवेयर को तो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे ये जो है, जहाँ पे मैं कर्सर को घुमा रहा हूँ, तो ये जो है ये कोड एरिया कहा जाता है। यहाँ पे आप अपना कोड जो है वो बनाएंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है आप ढेर सारे तरीके के ब्लॉक्स देख रहे हैं, तो ये जो होती है इसको बोला जाता है ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग। मीन्स आपको यहाँ पे कोड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करके, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह उठाकर और अपना प्रोग्राम जो है, अपना कोड जो है वो लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे तरीके के ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक जो है वो अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, हम आने वाले टाइम में देखेंगे। सिमिलरली आपके राइट हैंड साइड पे जो है ये जो होता है इसको बोलते हैं स्टेज, जो वाइट स्क्रीन आपको दिख रही है, और यहाँ पे जो है कि ये बिल्ली का जो कैरेक्टर है इसे बोलते हैं स्प्राइट। तो यहाँ पे आप जो है वो अब जो भी अपना कोड बनाएंगे कोड एरिया में, उसे आप यहाँ पर जाकर टेस्ट लाइव कर सकते हैं कि आपका प्रोग्राम जो है वो कैसे काम कर रहा है। तो देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला है मूव 10 स्टेप्स। नाउ जैसे ही मैं इस ब्लॉक को क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरी बिल्ली जो है, जो मेरा स्प्राइट है, वो 10 स्टेप्स आगे बढ़ता जाएगा।
ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके कोड में कोई आपके गेम में जो आप गेम बनाने वाले हैं उस गेम में आपको कोई पीछे सिटी का बैकग्राउंड दिखाना है या फिर कोई भी अलग कुछ बैकग्राउंड दिखाना है, तो यहाँ से आप जो है वो चूज़ बैकड्रॉप करके और अपना जो बैकग्राउंड है वो सेट कर सकते हैं। तो अभी के केस में मैं ले लेता हूँ ब्लू स्काई। तो इस तरीके से मेरा जो ब्लू स्काई है वो बैकग्राउंड में आ गया, मेरी बिल्डिंग यहाँ पे सेट हो गई। और अब मैं यहाँ पे 10 की जगह 100 स्टेप्स कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही इस ब्लॉक को क्लिक करूँगा तो ये 100 स्टेप्स जो है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे अगर मैं टाइम सेट कर दूँ तो कंट्रोल में जो है वो मुझे टाइम मिल जाएगा कि भैया वो 100 स्टेप्स 1 सेकंड में पूरा कर ले। ठीक है, वापस इसे बैक लाना है तो वापस मोशन में जाकर और मूव -100 स्टेप जो है अगर मैं कर देता हूँ तो इस तरीके से मेरी जो स्प्राइट है, जो मेरी बिल्ली वाला कैरेक्टर है, वो पहले 100 स्टेप जाएगा एंड देन वापस से 100 स्टेप्स बैक आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग करके और अपना कोई भी गेम जो है उस तरीके से बना सकते हैं। तो आने वाले टाइम में हम लोग बहुत सारे गेम बनाएंगे और उसकी मदद से हम लोग इस सारी प्रोग्रामिंग, सारे ब्लॉक्स को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, उनके बारे में सीखेंगे। इसके लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग का नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आपको सिंपल इंग्लिश आती है तो आप यहाँ पर बहुत सारा कोड जो है वो बना सकते हैं। तो ये जो है, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है और आप इसमें जो है वो अपना प्रोग्रामिंग का सफ़र स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसमें अपना खुद का मन से बैकड्रॉप भी ला सकते हैं, अपना स्प्राइट लेकर उसे एडिट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के साउंड जो है वो इसमें डाल सकते हैं, एक कॉन्वर्सेशन जो होती है, एक स्टोरी टेलिंग जो होती है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि हेलो बोलना है, हाय बोलना है, इस सारी तरीके से। तो आप बहुत सारे काम जो है वो इस प्रोग्रामिंग में, इस प्रोग्रामिंग की मदद से कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आपको ये सॉफ्टवेयर जो है उसका इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक गेम बनाएंगे और अलग अलग प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।